नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 3 दिन का उनका दौरा बहुत ज्यादा अहम है। आज दूसरा दिन है और आज महाप्रभु वल्लभ आचार्य आश्रम चंपारण जाएंगे। अमित शाह इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होगी और डीजीपी समेत अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। कल छत्तीसगढ़ शासन की भी वो बैठक लेंगे। तो बहुत ही ज्यादा अहम है नक्सलवाद को लेकर, खासतौर पर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा आने वाले कल शासन की बैठक होगी। लगभग 30 मिनट चंपारण में ही समय बिताने वाले हैं अमित शाह। 2001 में पहली बार अपनी मां के साथ आए थे और अब वो दूसरी बार जब आ रहे हैं तो 30 मिनट का वक्त यहां पर बिताएंगे। पूजा भी करेंगे विधि विधान से। छत्तीसगढ़ शासन की बैठक लेने वाले हैं। क्या आखिर क्यों अहम है ये दौरा अमित शाह का, इसे भी समझिए। नक्सल विरोधी ऑपरेशन को मजबूती मिलेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा पर चर्चा होगी। रायपुर में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य के अफसर भी इसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ के ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे। डीआईजी और मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी और नक्सल विरोधी ऑपरेशन को और भी ज्यादा मजबूती दी जाएगी। प्रदेश के विकास के लिए कई तरह के रोड मैप बनाए जाएंगे और इसीलिए अमित शाह का दौरा बहुत ही ज्यादा अहम है। नक्सलवाद पर मीटिंग लेने से पहले आज गृह मंत्री अमित शाह चंपारण जाएंगे। हेलीकॉप्टर से नवागांव पहुंचेंगे अमित शाह। चंपारण में प्रभु वल्लभ आचार्य के दर्शन और पूजन करेंगे। शाह लगभग 30 मिनट चंपारण में ही बिताएंगे और 2001 में, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2001 में अपनी माताजी के साथ अमित शाह आए थे यहाँ पर। पंचकोसी प्रमुख होने के साथ ही चंपारण वल्लभ आचार्य की जन्मभूमि भी है और इसीलिए भी बहुत ज्यादा इसे खास माना जा रहा है। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में खास है। शासन प्रशासन अधिकारी से लेकर और कई लेवल की मीटिंग में जहां वो शामिल होने वाले हैं, तो वो चंपारण भी जाएंगे और यहां पर कुछ ही समय बाद पहुंच भी जाएंगे। अमित शाह की जो ये तस्वीरें हैं, ये उस वक्त की दिखा रहे हैं आपको जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे और उनका ग्रैंड वेलकम किया गया था। लगभग पूरी कैबिनेट यहां पर दिखाई दी है, चाहे वो डेप्यूटी सीएम हो या मुख्यमंत्री हो या फिर आप कह लीजिए प्रदेश के अध्यक्ष हो, तमाम मंत्री हो, नेतागण हो, विधायक हो, सांसद हो, यहां पर हर कोई मौजूद रहा। अमित शाह के स्वागत के लिए ब्रजमोहन अग्रवाल को भी आप देख रहे हैं। ये वो तमाम नेता हैं जिन्होंने अमित शाह का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में ये दौरा महत्वपूर्ण है और आज जो है नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी और अहम बैठक लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले अमित शाह जो है चंपारण पहुंचेंगे। चंपारण में प्रभु वल्लभाचार्य के यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और इनके साथ उनकी पत्नी साथ में रहेंगी। सबसे पहले जो अमित शाह है वो हेलीपैड नवागांव में पहुंचेंगे और यहाँ से ठीक वो 11 बजे के आसपास जो है चंपारण पहुंचेंगे और चंपारण में जो है वल्लभाचार्य जी की यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। 2001 में अपनी माता जी के साथ आए थे और यहाँ लगभग वो 30 मिनट बिताएंगे। इसको लेकर सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए हैं और जो आप मार्ग देख रहे हैं यहीं से अमित शाह जी जाएंगे और ठीक आगे में मंदिर है और वही मंदिर में दर्शन करेंगे। और इस तरफ देखिए कि तमाम जगह सुरक्षा के इंतजाम है, लोगों को सुबह से ही यहाँ आने जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि नक्सलवाद को लेकर कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। डीजीपी सहित आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, अन्य प्रदेश के भी अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे, उनको लेकर एक साथ बैठक ली जाएगी। लेकिन बैठक से पहले यहाँ जो पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं तो ये जो स्थान है ये काफी खास हो जाता है क्योंकि वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है, इसलिए गुजराती समाज के लोग बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। और अब से कुछ देर बाद जो है अमित शाह चंपारण पहुंचेंगे, यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। न्यूज 18 के लिए अगर चंपारण से शेख इमरान।
बिल्कुल, और देखिए कितना अहम होने वाला है अमित शाह का ये दौरा, इससे समझा जा सकता है क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि शेख इमरान हमारे जो संवाददाता है उनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, इस वक्त मेरे साथ तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं और आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु, सबसे पहले कब तक निकलेंगे अमित शाह, रवाना कब तक होंगे चंपारण के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कभी भी वो चंपारण पहुंच सकते हैं और यहाँ पर वो काफी देर तक समय बिताने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और अपने दौरे के दूसरे दिन वो चंपारण पहुंचेंगे और माना एयरपोर्ट से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से वो चंपारण के लिए नवागांव के लिए जो है वो रवाना होंगे और नवागांव से बाई रोड केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो चंपारण पहुंचेंगे और करीब 30 मिनट का समय वो यहाँ पर बिताएंगे और इस दौरान उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी भी जो है वो मौजूद रहेगी और करीब 10:50 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चंपारण पहुंच वाले हैं। वहीं उनके दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं और इस वक्त मैं चंपारण पर ही मौजूद हूं और जहां पर मैं खड़ी हूं यही वो मुख्य द्वार है जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है मंदिर प्रांगण में जो है प्रवेश करेंगे। वहीं उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं और यही वजह है कि मंदिर प्रांगण उसके आसपास के एरिया को पूरी तरह से छावनी में तब्दील जो है वो कर दिया गया है और मंदिर प्रांगण के चप्पे चप्पे कर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वो की गई है और कोने कोने की बारीकी से जांच यहां पर की गई है। IPS अधिकारियों की ड्यूटी उनके सुरक्षा में जो है वो लगाई गई है और इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में जो है अंदर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को जो है तैनात किया गया है। किसी भी तरह की सुरक्षा में उनकी चूक ना हो इसको लेकर पुलिस के जो अधिकारी है चौक चौबंद की व्यवस्था यहां पर बनाए रखे। इसके अलावा मंदिर प्रांगण की हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री इससे पहले भी 2001 में चंपारण पहुंचे थे और अपनी माता के साथ वो जो है वो चंपारण आए थे और इसके बाद 2013 में भी उनका जब वो विधानसभा चुनाव था तब प्रचारक के तौर पर वो यहां पहुंचने वाले थे लेकिन किसी कारणवश उनका दौरा जो है वो रद्द हो गया था जिसके बाद अब वो एक बार फिर चंपारण जो है वो पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण की हम बात करें तो पंचकोसी प्रमुख होने के साथ साथ ये मंदिर जो है प्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि भी है और जब केंद्रीय गृह मंत्री यहां पहुंचेंगे तो प्रभु वल्लभाचार्य की पूजा अर्चना करेंगे उसके बाद 30 मिनट का समय वो यहां पर बिताएंगे और करीब 10:50 पर वो चंपारण पहुंचने वाले हैं। इसके बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री राजधानी रायपुर के लिए रवाना होंगे और राजधानी रायपुर के मे फेयर में इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की जो है वो बैठक लेंगे और इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत अन्य पड़ोसी राज्य के पुलिस के आला अफसर जो है वो शामिल होंगे और इस पूरे बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति जो है वो बनाई जाएगी जिसके बाद कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री NCB का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही नार्को टैक्स की बैठक भी जो है वो लेने वाले। बहरहाल चंपारण में केंद्रीय आने वाले कल कौन से कार्यक्रम होंगे ये भी तनु आपसे जानेंगे और चंपारण के लिए जैसा कि आपने बताया कि अपनी पत्नी के साथ अमित शाह चंपारण जाएंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण पल हो जाएगा जब 2001 में अपनी माताजी के साथ आए और अब 2024 में अपनी पत्नी के साथ वो जाएंगे। आकाश, अगर बात करें अमित शाह की मीटिंग्स की तो कई सारी मीटिंग्स उनकी होने वाली हैं। जैसे ही वो दर्शन पूजन करेंगे उसके बाद बहुत सी ऐसे बैठके हैं जिनमें कि वो चर्चा करेंगे और सबसे ज्यादा जो प्रमुख मुद्दा है रहने वाला है वो नक्सलवाद का। नक्सलवाद को लेकर क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्या जानकारी बैठकों को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर ही आज अहम बैठक जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेने वाले 3 दिवसीय दौरे में आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम होना है। दिन भर सुबह से लेकर जो रात तक के है वो बैठकों का दौर चलेगा और केंद्रीय गृह मंत्री खुद ही ये बैठक लेंगे। दोपहर 11:45 पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर आएंगे वल्लभाचार्य आश्रम से। इसके बाद मेफेयर में 12 बजे बैठक होगी, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों के जो DGP और चीफ सेक्रेटरी है बैठक में मौजूद होंगे। रोड मैप जो है वो तैयार होगा, सीधे मुद्दा है नक्सलवाद को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, विकास के रास्ते को किस तरीके से प्रशस्त किया जाए, इस पर ही चर्चा होगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लक्ष्य रखा है कि 3 साल के अंदर जो है छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है, ऐसे में ये बैठक काफ़ी अहम है। दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू होगी और लगातार चलेगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ बैठक होगी, इस किस तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था में कसावट लाया जाए और बेहतर किया जाए और जो तमाम मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। इसके बाद जो है रात 8 बजे DGP के साथ 1-on-1 चर्चा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। इस तरीके से पूरा खाका तैयार किया गया है, जो विज़न रखा गया है देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसमें छत्तीसगढ़ का किस तरीके से योगदान होगा, अन्य राज्यों का किस तरीके से योगदान होगा, इस पर ही चर्चा होगी।
और कल जो है एनसीबी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तो तमाम कार्यक्रम तय है, लेकिन बैठक आज का जो दिन है वो काफ़ी खास होने वाला है, अहम होने वाला है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय ने भी इसको लेकर पहले ही कई बैठकें की है और पूरी तैयारियाँ होंगी। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा अहम है अमित शाह का दौरा, आज दूसरा दिन है चंपारण से लेकर। तमाम ऐसी मीटिंग, तमाम ऐसे हाई लेवल की बैठक जो है वो होने वाली है, जो कि छत्तीसगढ़ के विकास में और भी ज़्यादा तेज़ी लाने वाली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए आकाश तनु। अंबिकापुर में डायरिया का कहर लगातार जारी है, डायरिया से फिर दो लोगों की मौत हो गई है। गाँव में डायरिया से कुल चार लोगों की जान जा चुकी है। डायरिया से चार की मौत के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। उदयपुर ब्लॉक के चैनपुर में डायरिया फैला है और अभी भी डायरिया नहीं थम रहा। लगातार जो है डायरिया के केसेस सामने आ रहे हैं, उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें, फिर बीमारी, फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, जोड़ों में दर्द, इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, जिसके बाद जो डायरिया है इसकी पुष्टि हो रही है। हालांकि अब भी लोगों को इससे राहत नहीं मिली है। डायरिया का मामला निकला, जिसमें अभी तक 25 मरीज डायरिया के पाए गए, जिसमें से 15 मरीज को हम लोग रेफर किए थे। कुछ सीएससी में थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो जिसमें से चार लोग का डेथ हुआ है। हम लोगों के द्वारा घर घर में जाके उनको ताज़ा भोजन खाने के लिए और पानी उबाल कर पीने के लिए और हाथ धो के रहने के लिए और शौचालय का उपयोग कर। श्रवण महन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या वजह है जो डायरिया पर कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा? यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बावजूद इसके केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रशासन को डायरिया के और स्वास्थ्य विभाग को डायरिया के विषय में लेट में जानकारी लगी है, और यही वजह है कि जो 15 गंभीर मरीजों को रिफर किया गया था, जिसमें से दो की अभी हाल ही में मौत हुई है और दो पहले, कुल मिलाकर चार लोगों की जान चली गई है। और अभी भी उस गाँव चैनपुर जो उदयपुर ब्लॉक में आता है, वहाँ पर दर्जनों मरीज अभी डायरिया के शिकार हैं, उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। और यही माना जा सकता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, कहीं ना कहीं को लेट से इसकी जानकारी लगी, और यही वजह है कि ये जो सीरियस मरीज थे उनको रिफर करना पड़ा था। नहीं तो जिस तरह से कैंप लगाया गया है, उस कैंप के माध्यम से जो मरीज हैं उन पर अंकुश लगाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि लेट से जानकारी मिली। वहीं ये भी बता दें कि जो चैनपुर गांव है, वहां पर जो है प्रशासन ने कैंप तो जरूर लगाया है, इसके साथ साथ जागरूकता अभियान भी वहां पर फैलाया है कि लोग जो है साफ सफाई का ध्यान दें, इसके अलावा ताजा भोजन, तमाम वो चीजें जिससे डायरिया का प्रकोप कम हो, ये एहतियात के तौर पर जागरूकता फैला रहे हैं। लेकिन ये जो मरीजों की संख्या है वो कम नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। और अब खबर पेंड्रा से है, जहां लगातार बारिश से यहां पर नदी नाले उफान पर है। सोन बमहनी नदियों के साथ नाले भी उफान पर हैं। लोगों को नदी नाले पार नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। और अब बात करेंगे मुंगेली की। मुंगेली में लगातार बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। मनियारी नदी उफान पर है। खुड़िया लोरमी मार्ग में कारी डोंगरी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। मनियारी बांध सहित जिले के सभी बांध लबालब हो गए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं कि आखिर कैसे यहां पर जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। प्रशांत शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आखिर क्या वजह है जो लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, और क्या कुछ कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय यहां पर अपनाए जा रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह पिछले दो तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और बारिश के चलते जो नदी नालों का जलस्तर है लगातार बढ़ते जा रहा है। इस समय हम मनियारी नदी के पास हैं, आप देख सकते हैं मनियारी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और कुछ बस्तियों में, कुछ जो नदी किनारे के गांव हैं वहां पानी घरों में घुसने लगा है, जिसको लेकर लोगों को
काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मैं बता दूं कि मनियारी जलाशय जो कि यहाँ मुंगेली जिले की जीवनदायिनी कही जाती है, उसके वेस्ट वेयर के 3 फीट ऊपर से पानी बहने लगा है और जिसके चलते जो कारी डोंगरी पुल है वो प्रभावित हुआ है और लोगों का आवागमन ठप हुआ है, जिसके चलते जो दर्जनों वनांचल के गांव हैं उनका संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है। वार्ड के पार्षद हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह लोगों को परेशानियां हो रही हैं, घरों में पानी घुसने लगा, क्या मदद कर रहे हैं? मदद नगर पंचायत के नगर पालिका के द्वारा मुनादी कराई जा रही है और जितने भी नदी के किनारे जो भी घर बने हुए हैं वार्ड के किनारे नदी के किनारे किनारे उन सबको नदी तट से दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और लगातार अपील की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि पानी जहाँ जहाँ भी पानी पहुँच रहा है वहाँ से आप थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप लोग? आप वार्ड के पार्षद हैं, लोगों को परेशानियाँ हो रही है। देखा जाए तो कल सुबह से बारिश हो रही है, अभी कुछ विराम लगा है लेकिन मौसम अभी भी बना हुआ है और नदी का जल स्तर तो बढ़ रहा है। सवेरे से भी पानी लगभग 6 इंच के ऊपर बढ़ गया है, तो वार्ड के लोगों को नदी किनारे जाकर उनको आगाह किया जा रहा है कि अगर ज्यादा पानी बढ़ता है तो अपना घर खाली कर दें और शासन प्रशासन से भी मदद जी प्रशांत पहले से अलर्ट रह सकते। बिल्कुल प्रशांत, और देखिए वहाँ पर जो लोग रहते हैं वाकई में उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि जैसे कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तो घरों में भी पानी घुस रहा है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें भी साझा करने के लिए। बिलासपुर की बात करेंगे, बड़ी खबर आ रही है, 25 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक को सील कर दिया गया है। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जिले के 4 ब्लॉक में बड़ी कार्रवाई हुई है। क्लिनिक को सील कर दवाइयों को जब्त कर लिया गया है। जिले के 3 ब्लॉक के बीएमओ ने 165 झोला छाप डॉक्टरों की सूची सौंपी है। जिले में मलेरिया और डायरिया का प्रकोप फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहा है और कई ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं जिनके क्लिनिक को सील किया गया है, जिनके पास से एक्सपायरी दवाइयां मिली हैं, जिनके पास से जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं वो तक भी मिली हैं, जिसके बाद इनके क्लिनिक को ही सील कर दिया गया। लगभग 25 ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स हैं। डायरिया के केसेस आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस आ रहे हैं, ऐसे में इलाज अच्छे से क्योंकि लोगों नहीं मिल पाता तो लोग जो है परेशान हो रहे हैं, कई लोगों की तो मौत हो चुकी है। एक्शन की तैयारी यहां पर देखने को मिली प्रशासन की तरफ से और 25 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक को सील किया गया। दुर्ग में लाखों की ठगी की गई है, महिला वकील से लाखों की ठगी हुई है। महिला से 37 लाख रुपए ठगे गए हैं। ठग ने ओमान में फंसे होने का झांसा देकर ठगी की है। सोशल मीडिया पर महिला से दोस्ती की थी, शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। भिलाई नगर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो ठग ने ओमान में फंसे होने का झांसा दिया और उसके बाद ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अब शिकायत पुलिस में कर दी गई है, जांच के बाद ही समझ में आ पाएगा कि आखिर कैसे इस पूरे जाल को बिछाया गया, कैसे ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। खबर बिलासपुर से, जहां बाइक चुराकर चोर फरार हो गया। सिगरेट पीते हुए पार्किंग में घुसा था चोर। कोतवाली थाना इलाके के ममता नेत्रालय के बेसमेंट से चोरी की गई। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, बाइक चुराकर चोर मौके से फरार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बड़े ही आराम से वो आता है, मास्टर की लगाता है और बाइक स्टार्ट करके यहां से फरार हो जाता है। बड़े ही शातिराना अंदाज से उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के एक नाबालिग भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग शामिल है। पीड़िता और उसकी सहेलियों को बाइक में बैठाकर लेकर गए थे घुमाने। पीड़िता के साथ आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उदयपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है और देखिए दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर बलरामपुर से है, खेत में ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से मातम पसर गया है। मेंढारी गांव में हादसा हुआ है।
और अब खबर दुर्ग से, जहां 6 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लाखों की हेरोइन जब्त की गई है। मौके से थाना जामुल और ACCU की कार्रवाई देखने को मिली है। और अब खबर मुंगेली से है, जहां लाखों की कीमती लकड़ी जब्त की गई है। साल, सागौन और शीशम की लकड़ी जब्त की गई है। विचापुर में घर में वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। लोरमे वन विभाग ने यह कार्रवाई की है। बिलासपुर से खबर, सड़क किनारे झाड़ियों में नवजात मिला है। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया। मसूरी क्षेत्र के रिजदा पेट्रोल पंप के पास नवजात मिला। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। दुर्ग में पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दुर्ग न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। छावनी थाना इलाके में 2022 का यह मामला बताया जा रहा है, जब किशोरी को बैला फुसलाकर दुराचार किया था, दुष्कर्म किया था। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जगदलपुर से खबर आ रही है, जहां NMDC के निजीकरण की चर्चाओं के बीच सचिव और CMD जगदलपुर पहुंचे हैं और अफसरों ने प्लांट का दौरा किया। मेकान और NMDC अफसरों के बीच बड़ी बैठक हुई है। 3 साल का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। अब NMDC इस बात पर विचार कर रही है कि इसे प्राइवेट को दे या फिर एग्रीमेंट को बढ़ा दे। आज बैलाडीला में एक अहम बैठक होगी। निजीकरण की खबरों के बीच कांग्रेस सड़क पर उतर आई है और कांग्रेस ने कहा कि वो निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबर।